राजा भैया जो अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक की चर्चाओं को लेकर इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, ऐसे में उनकी पत्नी भानवी सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर भानवी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भानवी सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि भानवी के ऊपर लगी सभी धाराएं 7 साल से कम सजा वाली हैं, लिहाजा पहले उनके बयान दर्ज किए जाए। आपको बता दें कि हजरतगंज थाने में भानवी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 509 और 120 बी के तहत मामला दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ भानवी की तरफ से एफआईआर खारिज करने की मांग पर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि साध्वी सिंह ने भानवी पर चारित्रिक हनन, आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया है। साध्वी सिंह ने भानवी और अन्य पर यह आरोप लगाया कि 28 अगस्त की शाम एक चैनल पर उनके जीजा राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक के मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया। उसमें जीजा साली यानी कि साध्वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए गए थे। साध्वी की दलील है कि उनकी 2 बेटियां हैं। ये खबर चलने से वो दहशत में है। शादी के कुछ साल बाद से ही राजा भैया और भानवी के बीच में खटास बढ़ती गई। राजा भैया ने 2022 में दिल्ली की एक अदालत में तलाक की अर्जी दी, लेकिन भानवी राजा भैया को तलाक देने को राजी नहीं। फिलहाल साकेत कोर्ट में मामला चल रहा है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। यूपी तक के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।